सॉलिड स्टेट फर्मेंटेशन, सॉलिड स्टेट फर्मेंटेशन जिसको हम बोलते हैं फर्मेंटेशन प्रोसेस, जो कि ऐसी फर्मेंटेशन प्रोसेस है, ये सॉलिड स्टेट फर्मेंटेशन एब्सेंस और नियर एब्सेंस ऑफ फ्री वाटर में भी हो जाते हैं। सॉलिड स्टेट फर्मेंटेशन एम्प्लॉयज नेचुरल रॉ मटेरियल एज कार्बन सोर्स सच एज कसावा। यहाँ पे सॉलिड स्टेट फर्मेंटेशन में हम नेचुरल रॉ मटेरियल का यूज़ करेंगे, जैसे कि कसावा का, बार्ले का, वीट ब्रान का, राइस ब्रान का, शुगर केन का, बैगेस का, कसावा बैगेस का, बहुत सारे ऑयल केक्स का, जिसके अंदर इंक्लूड है कि कोकोनट ऑयल केक, पाम कर्नल केक, सोयाबीन केक, ग्राउंडनट ऑयल केक एंड फ्रूट पल्प्स। यहाँ पे कॉर्न कोप, सार्डस्ट, इमली, जैक फ्रूट, कॉफ़ी हस, कॉफ़ी पल्प, मतलब एग्रीकल्चर वेस्ट का हम यूज़ कर रहे हैं ज़्यादातर सॉलिड स्टेट फर्मेंटेशन। दिस आर सम सबस्ट्रेट विच इज़ यूज इन द सॉलिड स्टेट फर्मेंटेशन, जैसे कि शुगर ग्रेन बैगेस आपको इस फोटोग्राफ में दिखाई दे रहा है, टी वेस्ट, वीट ब्रान यू आर शोन इन दिस फोटोग्राफ, एंड सिमिलरली सारडस्ट, एप्पल पोमेस, कोकोनट ऑयल केक, दिस आर सम एग्रीकल्चर वेस्टेज विच आर यूज इन सॉलिड स्टेट फर्मेंटेशन। अब नाउ इस फोटोग्राफ में जैसे कि आपने देखा कितने सारे प्रोसेसेस हम यूज़ कर सकते हैं। अब एडवांटेजेस क्या है सॉलिड स्टेट फर्मेंटेशन की? सबसे पहले ये प्रोसेस बिल्कुल सिंपल होती है, ये कॉस्ट इफेक्टिव है, बिकॉज हम विभिन्न भिन्न भिन्न प्रकार के वेरियस प्रकार के एग्रीकल्चर वेस्ट यूज़ कर सकते हैं। सो सॉलिड स्टेट फर्मेंटेशन इज़ ए कॉस्ट इफेक्टिव, वेरी सिंपल प्रोसेस, लेस इफ्लुएंट रिलीज, रिड्यूस पोल्यूशन। हेयर इफ्लुएंट इज द केमिकल सब्सटेंस लाइक अ सॉल्वेंट विच रिलीज देर इज इन अ फर्मेंटेशन। हाई टिटलर्स, हाई प्रोडक्ट यील्ड, जो भी प्रोडक्ट बनेगा उसकी यील्ड भी बहुत ही ज़्यादा होगी। जो भी हमारा प्रोडक्ट बनेगा सॉलिड स्टेट फर्मेंटेशन में उसकी यील्ड बहुत ही अच्छी खासी होगी। एंड दे हैव ए एरेटेशन प्रोसेस बहुत ईजी रहेगी इसके अंदर, सॉलिड स्टेट फर्मेंटेशन की जो भी एरेशन प्रोसेस होगी वो बहुत ही ईजी रहेगी। रिसेम्बल्स द नेचुरल हैबिटेट ऑफ सम फंजाई एंड बैक्टीरिया। और सॉलिड स्टेट फर्मेंटेशन में हम ऐसी कंडीशन कर देते हैं, ऐसी कंडीशंस हो जाएगी जिससे जो भी फंजाई का हैबिटेट है और बैक्टीरिया का हैबिटेट है वो सिमिलर होगा। अर्लियर डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग, इनकी जो डाउन स्ट्रीम प्रोसेस है वो बहुत ही ईजी तरीके से की जा सकती है सॉलिड स्टेट फर्मेंटेशन में। तो इन दिस वे वी कैन से दैट द सॉलिड स्टेट फर्मेंटेशन इज ए ईजी काइंड ऑफ प्रोसेस। Then is a major factors of solid state fermentation. There is a selection of microorganism. Solid state fermentation में हम microorganism को select करेंगे, ठीक है, number one. There is a selection of microorganisms. उसके बाद हमारा substrate होना चाहिए बढ़िया quality का. There is a selection of substrate, process optimization, product isolation and purification. Isolate भी करना है product को, and after that, after isolation, हमें product को purify भी करना है। जो भी हमने product isolate किया है, निकाला है, same product को purify भी करना है, so that हमें particular compound, जो भी हम compound चाहते हैं हम उसकी purity मिल सके, we can purity of that compound. And next is selection of microorganisms. You know, selection of microorganism is very very key factor in the solid state fermentation, because this is one of the key factor for improved yield of the product. अगर हम अच्छा microorganism select कर रहे हैं तो of course सी बात है हमारा जो product की quality है वो अच्छी होगी, because different type के microorganisms जो है different type की yield देते हैं। हमें कौन से type का bacteria, अगर हम bacterial fermentation है which type of bacteria we selected, yeast and filamental fungi can be used. Filamental fungi has shown better result growing in the solid substrate. यहाँ पे बात होती है कि जो भी filamentous fungi होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छे result देती है। अच्छे result देने का reason ये है कि जो भी filamentous fungi है उसकी जो भी condition होनी चाहिए, उसकी condition किस type से होनी चाहिए, उसको growth करने के लिए जो भी humidity, environmental conditions चाहिए, वो condition सॉलिड स्टेट फर्मेंटेशन में फुलफिल की जा सकती है। तो यहाँ पे जो फिलामेंटस फंजाई है वो हमें ज़्यादा बेटर रिजल्ट देती है सॉलिड स्टेट फर्मेंटेशन में। देन आता है सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट भी बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है जो भी ग्रोथ है
उसको डिटरमाइन करने में किसकी ग्रोथ, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ। ऑफकोर्स सी बात है हम यहाँ पे फर्मेंटेशन प्रोसेस कर रहे हैं, मीनिंग वी आर यूजिंग द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू कन्वर्ट ए पर्टिकुलर कंपाउंड इनटू अ पर्टिकुलर कंपाउंड। जैसे कि हमने शुगर से अल्कोहल बनाया, हमने यीस्ट यूज किया, हो सकता है कोई और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी बना दे, बट हमें यहाँ पे चेक करना है कि कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हमें स्ट्रेन चेक करनी है, और हर टाइप की स्ट्रेन के लिए हर टाइप का सबस्ट्रेट मीनिंग मीडिया चाहिए। तो सबस्ट्रेट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ में। सबस्ट्रेट इज चूजन सच ए वे that it should provide physical support as well as nutrients in the growing culture. Substrate हमें इस तरीके से choose करना है कि वो हमें physical support भी provide करे और nutrients भी provide करे growing culture को। Substrate यहाँ पर दो type का होता है, one is specific substrate जो हमें require है suitable value addition के लिए, कि हमें कोई वैल्यू एडिशन करनी है कि ग्रोथ के लिए, तो उसके लिए एक होता है सेकंड सबस्ट्रेट जो स्पेसिफिक प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगा सूटेबल सबस्ट्रेट से। अब है प्रोसेस ऑफ ऑप्टिमाइजेशन, इसके अंदर हम ऑप्टिमाइज कर रहे हैं इंक्लूड्स द ऑप्टिमाइजेशन ऑफ फिजिको केमिकल एंड बायो केमिकल पैरामीटर्स। ऑप्टिमाइजेशन में हम फिजिको केमिकल, जो भी फिजिकल्स एंड केमिकल्स रिएक्शन हो रही है एंड जो भी बायोलॉजिकल रिएक्शंस हो रही है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में, उन्हें ऑप्टिमाइज करना ताकि जो भी प्रोडक्ट बन रहा है, आप देखिए एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म सेम सब्सट्रेट को यूज़ करके कई तरीके के प्रोडक्ट निकाल सकता है, बट हमें टेम्परेचर, प्रेशर एंड इस तरीके की कंडीशन ऑप्टिमाइज करनी है कि हमारा एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट बने। यहाँ पे साइज, इनिशियल मॉइस्चर, पीएच और प्री ट्रीटमेंट ऑफ सब्सट्रेट का मैटर करता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर ऑफ इनक्यूबेशन, एजिटेशन, एरेशन, एज एंड साइज ऑफ इनोक्यूलम। हम यहाँ पे डील कर रहे हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी से कि ह्यूमिडिटी कितनी रहेगी। बेसिकली ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी का मीनिंग है जो भी वेपर्स प्रेजेंट है और जितना भी वेपर, वाटर वेपर्स प्रेजेंट है वो कंस्टिट्यूट करते हैं ह्यूमिडिटी को। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी, कितना टेम्परेचर है इनक्यूबेशन का, इनक्यूबेशन मीनिंग जब आप इन ऑक्यूलम डाल रहे हो, स्टार्टिंग मटेरियल डाल रहे हो आपके कंप्लीट पाथवे में, तो कितना टेम्परेचर आपने सेट किया है, दैट इज नोन एज द टेम्परेचर ऑफ इंक्यूबेशन, उसको हम बोलेंगे टेम्परेचर ऑफ इंक्यूबेशन। एजिटेशन, एजिटेशन मीनिंग मिक्सिंग, कि मिक्सिंग किस तरीके से हो रही है। ऑफकोर्स ही बात है माइक्रो ऑर्गेनिज्म सबस्ट्रेट एंड अदर ऑल मटेरियल्स कैन बी मिक्स सक्सेसफुली। एंड एरिटेशन, एज, साइज, ये हो गया। अब न्यूट्रिएंट सप्लीमेंटेशन, जैसे कि काफ़ी सारे ग्रोथ मीडिया के लिए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ के लिए हमें जो सब्सट्रेट चाहिए वो चाहिए नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और बहुत सारे ट्रेस एलिमेंट। सप्लीमेंटेशन चाहिए एडिशनल कार्बन सोर्सेज की और इंड्यूसर्स की। उसके बाद एक्सट्रैक्ट भी करना है प्रोडक्ट को उसकी प्योरिफिकेशन के लिए, एक्सट्रैक्ट ऑफ प्रोडक्ट फॉर इट्स प्योरिफिकेशन। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम्स इन सॉलिड स्टेट फर्मेंटेशन। हमने एडवांटेज डिस्कस कर लिए, भाई फंगस, खासकर फिलामेंटस फंगस के लिए बहुत बढ़िया है, एनवायरनमेंट कंडीशन सेट हो जाती है, इजी है, चीप है, बहुत एग्रीकल्चर वेस्ट यूज़ कर लेते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम्स क्या आ रही है सॉलिड स्टेट फर्मेंटेशन में। नंबर वन प्रॉब्लम, हीट ट्रांसफ़र। जो मेन डिफ़िकल्टी है वो डिफ़िकल्टी है कि कंट्रोल करना टेम्परेचर ड्यूरिंग द फर्मेंटेशन प्रोसेस। सॉलिड स्टेट फर्मेंटेशन में टेम्परेचर कंट्रोल करना एक बहुत ही बड़ी दिक्कत हो जाती है, एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। हीट इज़ जनरेटेड ड्यूरिंग द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो जब भी ग्रोथ करेंगे तो दे आर रिलीजिंग सम हीट, वो कुछ अमाउंट में हीट रिलीज करेंगे, हीट रिलीज करेंगे कुछ अमाउंट में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो जो सबस्ट्रेट यूज़ हुआ उसकी लो थर्मल कंडक्टिविटी होगी, जो हीट है वो रिमूव हो जाएगी, वो भी स्लो होगा। जब हीट जनरेट होएगी तो हीट जनरेटेड होकर वो कॉस एक सर्टेन लेवल के बाद चली जाएगी, जो जिसका जो रिजल्ट होगा प्रोडक्ट की डीनेचुरेशन हो जाएगी, प्रोडक्ट हमारा ख़राब हो जाएगा उस हीट से, और हो सकता है वो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ है उसको भी इफेक्ट करे और अल्टीमेटली हमारी एंडिंग हो जाएगी, रिडक्शन हो जाएगी यील्ड में। ऑफकोर्स रिडक्शन यील्ड में भी होएगी और क्वालिटी में भी रिडक्शन होएगी। तो बेसिक सी बात है, हीट ट्रांसफ़र और टेम्परेचर कंट्रोल करना दिक्कत हो जाता है, डिफ़िकल्ट हो जाता है सॉलिड स्टेट फर्मेंटेशन में,
इसलिए हमें चाहिए कि सॉलिड स्टेज फर्मेंटेशन के दौरान हमारा जो भी टेम्परेचर है उसको कंट्रोल कर सके, वरना क्योंकि इसमें डिफ़िकल्ट है, हमारी यील्ड और क्वालिटी दोनों ही लो हो जाए। नेक्स्ट वीडियो में हम एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे सॉलिड स्टेज फर्मेंटेशन की। से ट्यून, बाय बाय, एंड इफ़ यू लाइक सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर, बाय बाय।